हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूँ कि अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार की किसी कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर दोस्तों किसी प्राइवेट जॉब में आपको रिज्यूम की ज़रूरत पड़ती है और दोस्तों आप तुरंत रिज्यूम आपको चाहिए और दोस्तों अगर आपके पास कोई लैपटॉप या पीसी नहीं है और अगर आप दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप अपना एक बिल्कुल शानदार बढ़िया रिज्यूम, एक प्रोफेशनल रिज्यूम अपने जॉब के लिए आप देना बनाना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से ऑनलाइन तुरंत 2 मिनट में अपना रिज्यूम कैसे तैयार कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो जैसे ही दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी 95। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन और नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और आपको उसमें टाइप कर लेना है रोज़गार रिजल्ट। जैसे ही आप इसमें टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र में रोज़गार रिजल्ट, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा, rozgarresult.com। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, होम के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिज्यूम CV मेकर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपकी स्क्रीन पर आएगा। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिल जाता है रिज्यूम बनाने के लिए। इसमें आपको यहाँ पर लिखा होगा फिल द फॉर्म, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप वाले में ऑप्शन में चुन लेना है रिज्यूम। अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन के ही द्वारा एक बढ़िया शानदार रिज्यूम बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसमें अपना रिज्यूम वाले ऑप्शन में रिज्यूम टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको अपना नाम इसमें फिल कर देना है, जो भी आपका नाम है, तो मैं यहाँ पर नाम फिल कर देता हूँ। उसके बाद एड्रेस आपको फिल कर देना है। नाम और एड्रेस फिल करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो भी आपको फिल करना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर लेना है। तो मैं ये चारों ऑप्शन में अपनी सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी डिटेल इसमें फिल करेंगे, आपको अपना नाम पहले वाले स्लॉट में फिल करना है, एड्रेस आपको इसमें पूरा कम्प्लीटली डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है। मैंने दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर सही फिल कीजिए। उसके बाद आपको ईमेल आईडी आपको अपनी फिल कर लेनी है और डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें से आपको जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम आपको यहाँ पर फिल लेना है और आपको अपनी मदर का नाम भी दोस्तों आपको इसमें फिल कर लेना है। उसके बाद आपको नेशनलिटी, आप इंडियन हैं तो आपको अपने इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपको अपना जो भी जेंडर है वो आपको यहाँ पर मेल या है या फीमेल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप एक दोस्तों शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है, सिंगल है। लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश जानता हूँ, तो मैं हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपकी शौक क्या क्या है, आपके हॉबीज़ वगैरह क्या हैं, आप इसमें फिल कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आप दोस्तों आपको आता है नीचे करियर ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ पर बहुत सारे करियर ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों आपको ज़्यादा बेस्ट आपको नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप इसमें अपने करियर के बारे में कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे दोस्तों ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं। नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर अकेडमिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगी, इसमें आपको अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेना है 10th। आपको यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी जिस बोर्ड से आपने पास किया है। उसके बाद आपको पासिंग है आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आपको कितने मार्क्स, कितने परसेंट मार्क्स मिले थे वो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। आपको डिवीज़न आपकी क्या बनी थी, ABC या फर्स्ट सेकेंड, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी 12 की डिटेल देनी है, तो मैं यहाँ पर 12 की डिटेल दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने 12 जो है आप किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किया वो आपको इसमें देना है। आपको अपनी पासिंग जो भी है आपको वो देना है। उसके बाद आपने आपको कितने मार्क गेन हुए थे, कितने परसेंट, वो आपको इसमें फिल कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी डिवीज़न आपकी क्या बनी थी, फर्स्ट सेकेंड, वो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अगर आपके पास जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि दोस्तों BA, BSc, BCom, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी डिग्री वगैरह है वो आपको देना है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों मेरे पास BSc है, मैं यहाँ पर BSc डाल देता हूँ। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी यहाँ पर डाल देता हूँ। पासिंग है दोस्तों मेरी जो भी है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं मार्क्स कितने गेन हुए थे वो यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों डिवीज़न मेरी क्या बनी थी, फर्स्ट, सेकेंड या पेयरिंग है, तो अगर आप पेयरिंग हो तो आप पेयरिंग में डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास इसके अलावा और भी कोई प्रोफेशनल डिग्री है,
तो आप यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वो भी फिल कर सकते हैं। जब सारी डिटेल फिल कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मिलती है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जैसे दोस्तों कंप्यूटर कोर्स वगैरह या फिर दोस्तों कोई भी स्किल वगैरह है तो आप इसमें वो भी फिल कर दें। तो मेरे पास दोस्तों कंप्यूटर कोर्स है, मैं यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसके अलावा भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन तो आप यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मेरे पास और ऐड नहीं है तो मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अगर दोस्तों आपके पास नहीं है तो आप एनी भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है जैसे दोस्तों आप किसी कंपनी में या फिर किसी किसी भी कहीं पर भी शॉप वगैरह पर काम करते हैं, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कितने साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से जीरो ईयर से पर एनी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर चूज फाइल, तो आपको एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपको यहाँ पर बना लेनी है, पहले से ही अपने मोबाइल में रख लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने चूज फाइल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर ले जाएगा और आपकी गैलरी में ले जाएगा, तो आपको गैलरी से वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी जो फ़ोटो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। करने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है ये कैप्चा वाला, तो आपको जो कैप्चा दिया गया है आपको जो सेम कैप्चा आपके स्क्रीन पर दिया गया है वही कैप्चा आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर कैप्चा फिल कर देता हूँ। कैप्चा मैंने दोस्तों यहाँ पर फिल कर दिया है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। ऊपर आएंगे तो दोस्तों आपको अपनी साइट डिटेल पहले कंफर्म कर लेनी है, अपना नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपनी डेट ऑफ बर्थ और दोस्तों आपको अपने पिता का नाम, माता का नाम और दोस्तों आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं, आपकी जो भी हॉबीज़ वगैरह हैं वो, और दोस्तों आपके जो करियर ऑब्जेक्टिव वो इसमें चेक कर सकते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपने सही फिल किया है या फिर कोई मिस्टेक हो गई है, ये सब सब आप जो भी चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद दोस्तों आपसे नीचे आएंगे, नीचे आपको चूज फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन बटन यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर आप जिस टाइप का आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि दोस्तों मुझे ये वाला रिज्यूम बनाना है तो मैं इस वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते थोड़ी देर ये वेटिंग लेगा, वेटिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो अब दोस्तों इस तरह का जब इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर आता है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है बैक का। आप कुछ भी इसमें ऑप्शंस में अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप बैक भी जा सकते हैं, सही कर सकते हैं। अगर लगता है आपको कि सही है और मेरा रिज्यूम बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल फिट है, तो आपको लगता है कि सही है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ से रेड भी कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप इसे डार्क ब्लू भी कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप यहाँ से ब्लैक भी कर सकते हैं। आपको जिस टाइप से आपका रिज्यूम अच्छा लगे आप इसमें से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे दोस्तों यहाँ पर डार्क ब्लू अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर डार्क ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं अपनी सारी डिटेल वेरीफाई कर लेता हूँ, मेरी डिटेल सारी सही है तो मुझे लगता है कि मेरा रिज्यूम है दोस्तों वो अच्छा खासा बिल्कुल फिट बन चुका है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों नीचे ऑप्शन मिलता है आपको मेक PDF, तो मैं यहाँ पर इसे PDF के तौर पर अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लेता हूँ। तो मैं इसे PDF बना लेता हूँ। आपको भी इसी तरह से अपने मोबाइल फ़ोन में इसे PDF बना लेना है। तो PDF दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड होकर मेरे फ़ोन में यानी मेरे कंप्यूटर में आ चुकी है, आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसकी जो PDF बनाकर रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, किसी पास की दुकान पर जाकर आपको किसी दोस्तों कंप्यूटर कैफ़े में जाकर आपको इसे प्रिंट करा लेना है। और दोस्तों आपने इस तरह से अगर आप रिज्यूम बना लेते तो आपको इसके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका थोड़े बहुत पैसे में काम चल जाएगा और आप अच्छा खासा रिज्यूम, प्रोफेशनल रिज्यूम अच्छा खासा बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो लिखा हुआ है ये दोस्तों आप प्रिंट करा सकते हैं और अपने इसे आगे भविष्य के लिए भी, रेफरेंस के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप इसे प्रिंट करा लेते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाता है डेट का। आप जब भी जमा करेंगे इस रिज्यूम को तो आप इसमें डेट डाल दीजिए, पैलेस डाल दीजिए, आप जिस जगह जमा कर रहे हैं। आपको नीचे साइन किए हुए मिलेंगे डिजिटल, अगर आपको लगता है अगर आप और भी साइन करना चाहते हैं तो आप इसके नीचे भी अपने साइन कर सकते हैं अपनी पेन से। और दोस्तों अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी परेशानी या अगर दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी ज़रूर से ज़रूर मदद करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से शानदार रिज्यूम है वो दोस्तों किस प्रकार से ऑनलाइन बना सकते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली नोटिफिकेशन और इसी तरह की नई नई जानकारी, टेक्निकल जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे।
तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद मित्रों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिट अगेन माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।